देशर सप्तम तथा शेष पर्याय लोकसभा निर्वाचन आज प्रार्थीपत्र दाखल अंतिम दिवस सतट राज्य और गोटे केन्द्रशासित अंचल 57 लोकसभा आसन पर जून पहलें हम मतदान दलर वरिष्ठ नेता उपस्थित में तृतीय थर पर वाराणसी लोकसभा आसन प्रार्थीपत्र दाखल कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीजेपी और बीजेडी मध्य रही मधुर संपर्क उभयों मध्य लड़े केवल नाटक कहले जातीय कांग्रेस साधारण संपादक जयराम रमेश देशवासी विकास पर मुख्य भूमिका ग्रहण कर सरकार केवल बीजेपी ही देपार बोली अनुगुल जिले में निर्वाचन प्रचार कर मतव्यक्त कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आदर्श आचरण विधि लागू होगा दुईमास मध्य विभिन्न अभियोग कार्यानुष्ठान संपर्क में सर्वसाधारण को सूचना प्रदान पर निर्वाचन कमिशन को निष्पत्ति मोबाइल सेवा विच्छिन्न करदि कहीं चेतावनी दिंती ध्यान नदे और संपृक्त नंबर में पाल्टा फोन नक केन्द्र दूरसंचार विभाग जारी कला सतर्क सूचना एवं 18 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल लागि रहिब घड़घड़ी सह सामान्य वर्षा कालबैशाखी आशंकर केतक जिला को येलो वार्निंग जारी नमस्कार एथर विस्तृत समाचार सह मुसरिता आसंता जून पहिला रे देश रे सप्तम तथा शेष पर्याय लोकसभा निर्वाचन अनुष्ठित होबाक जाउछि एथिपई आज संध्या रे प्रार्थीपत्र दाखल प्रक्रिया शेष होइछि आसंता काली प्रार्थीपत्र जांच हेबो शेष पर्यायर सातटी राज्य और गोटे केन्द्रशासित अंचल 57 लोकसभा आसन पर मतदान हेबो एसबू राज्य मध्य उत्तर प्रदेश 13 आसन पंजाब 13 आसन पश्चिमबंगर 9 बिहार 8 ओडिशार 6 हिमाचल प्रदेश 4 झारखंड 3 एवं केन्द्रशासित अंचल चंडीगढ़ गोटे आसन रही पर्यायर निर्वाचन होगा राज्यर 42 विधानसभा आसन पर आज नामांकन दाखल अंतिम दिन रही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी क्रमगत तृतीय थर पर आज वाराणसी लोकसभा आसन पर प्रार्थीपत्र दाखल करते से आज सका वाराणसी दशाश्वमेध घाट में गंगा पूजन करने कालभैरव मंदिर को जा पूजार्चना करते कालभैरव आशीर्वाद नहीं से सीधासख जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को जाते प्रार्थीपत्र दाखल करते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठार शुभ लग्न बाहर कर पंडित गणेश्वर शास्त्री और बैद्यनाथ पटेल श्री मोदी सह निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को जाते श्री शास्त्री और श्री पटेल प्रधानमंत्री प्रस्तावक अच्छा प्रार्थीपत्र दाखल जावाबले केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केतेक राज्यर मुख्यमंत्री जिलापाल कार्यालय परिसर में उपस्थित रही झारखंडवासी खंडिए खंडिए भोट देले केन्द्र में पुणी थे बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए दृढ़ सरकार गठित हो पार बोली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज झारखंडर कोदरमा ठारे निर्वाचन प्रचार कर श्री मोदी कहते अतीतर यह राज्य में कांग्रेस शासन समय नक्सलवाद निआरे जळुथला युवक मैंने नक्सल आंदोलन में सामिल हो निजक नष्ट सहित निज पर ध्वंस करदे केवल से नुहे से माँ आखिर जीवन सारा लुह सुखुन राज्य में वामपंथी शासन काल में समस्या लगि रही है एवं झारखंडवासी बीजेपी को भोट दे जिताइले राज्य में स्थायी शांति स्थापन होगा विकास प्रक्रिया त्वरान्वित होती नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा मैं उन माताओं की कोख छीनने नहीं दूंगा वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खून खराबे से मुक्त होगी और ये मोदी की गारंटी है श्रीनगर में जो मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे और दलर नेत्री प्रियंका गांधी निर्वाचन प्रचार करछन्ति महाराजगंज ठारे एक सभा रे उद्बोधन दे श्री खड़गे कहिछन्ति बीजेपी सबुबले डबल इंजन सरकार रो विकास कथा कहुछि हेले गोटी इंजन खराब हो जाइथिबा बळे आरो इंजन ती लाइनच्युत होइछि तेणु बीजेपी किछि भी विकास करि परिबो नाही पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी भली नेता माने देशर व्यापक विकास करिछन्ति
ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଦୌ ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଖଡ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣେ ଆମେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅବହେଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ, ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ହମାରି ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମାରେ ମାଇନସ ସେ ତୁମାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେ ଜୋ ବନି ହୁଇ କାରଖାନେ ଥେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥେ ପୋର୍ଟ ଥେ ये सब बेच रहे, एक एक करके बेच रहे और किनको दे रहे? अमीर लोगों को दे रहे। और किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किए? मंदिर मस्जिद की बातें चुनाव के समय मत करो, चुनाव के समय ये बात करो कि मेरी सड़क कौन बना रहा है, मेरे बेटे को रोजगार कौन दे रहा है, मेरी बेटी को सक्षम कौन बना रहा है। जम्मू कश्मीर प्रसंग को नहीं केन्द्र सरकार विरोध में कांग्रेस करिचालथिबा अभियोगर दृढ़ जवाब देछि बीजेपी। आज भुवनेश्वर में विशेष संपर्क अभियान अंतर्गत प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में उद्बोधन दे बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ए प्रसंग नहीं कांग्रेस उपर पाल्टा आक्रमण करिछंती। जम्मू कश्मीर दुईभाग हो किछि अंश पाकिस्तान को चलीगला, दीर्घ वर्ष शासन में थिले मध्ये कांग्रेस सरकार पार्टी खोलिले नाही। एबे बीजेपी क्षमता को आसीबा परे पाक अधिकृत काश्मीर पाकिस्तान रो नुहे भारत रो बोली विभिन्न अंतर्जातीय मंच रे दाबी उपस्थापन करि चलीछि। एकाधिक राज्य रे कांग्रेस सरकार ही धर्म आधार रे संरक्षण प्रदान करथिला, किंतु बीजेपी रे बीजेपी रो रक्त रे धर्मीय निरपेक्षता रहिछि बोली श्री विश्व शर्मा कहिछन्ते। पार्टी का सीएम को अपना माइक पकड़ने के लिए भी दूसरा एक चाहिए कि मैं माइक पकड़ूंगा तभी मैं बात बोल सकता हूं। He or she cannot make India a Vishwa Guru. You need a complete separate state of mind. Jo state of mind hai ki aap aggressive bhi hai and at the same time aap compassionate bhi hai. Aap desh ka bahar when it comes to Pakistan you are aggressive, when it comes to China you are aggressive, but desh ka एथर ओडिशा रे जनादेश निश्चय कांग्रेस सपक्षे जीव बोली दलर साधारण संपादक तथा सांसद जयराम रमेश दाबी करछन्ती। आज भुवनेश्वर ठारे सांबादिकों को सूचना दे से कहिछन्ती, जेउ आशा विश्वास रो सह कांग्रेस राज्यर कृषक आदिवासी महिला और युववर्गक विकास पई ग्यारंटी देछि सेथिरे दल सफल हेबो एवं आशातीत भोट हासिल करिवो। अपरपक्षे बीजेपी रो निर्वाचन संभावना संपर्क में मतामत दे श्री रमेश कहते, चतुर्थ पर्याय निर्वाचन शेष में जहाँ सूचना मिली से ही अनुजाई दक्षिण भारत में बीजेपी संपूर्ण सफा हो सारी, तेणु उत्तर भारत पूर्व भारत और पश्चिम भारत में बीजेपी आसन संख्या जथेष निम्नगामी हो। पूरा समर्थन बीजेडी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में किया है। आज कहना कि बीजेपी अलग है और बीजेडी अलग है ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। संसद में ओडिया भाषा को लेकर मैंने खुद 16 मार्च 2020 को एक भाषण दिया था कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संस्कृत भाषा के लिए 650 करोड़ रुपया खर्च किया गया है पर उड़िया भाषा के लिए। राज्य रे नरेंद्र मोदी को डबल इंजन सरकार हेले मां को सुभद्रा योजना रे 50,000 टंका कूपन दिया जिबो। एई अर्थ को से माने एककालीन किबा निज सुविधा अनुसार 2 वर्ष मध्ये खर्च करि परिबे बोली केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिछंती। आज संबलपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत छेंडीपदा ठारे अनुष्ठित बीजेपी रो विजय संकल्प सभा रे उद्बोधन दे श्री प्रधान कहिछंती, बीजेपी सरकार गढ़िले राज्य रे चासी को शोषण संपूर्ण बंद करा जिबो। एया छडा दिव्यांग निराश्रय और वार्धक्य भत्ता 3,000 टंका को वृद्धि पात्रपड़ार अधिष्ठात्री देवी माँ बायाणी पीठ को राज्यस्तरीय पर्यटन स्थल में परिणत होड़िया लोक राज्य मुख्यमंत्री हे कारण बर्तमान गुमास्ता राज्यवासी प्रत्याख्यान कले से कहते। श्री प्रधान पात्रपड़ निर्वाचन प्रचार कर कुशला माने थे अनुगुल अधा डाक्टर आज डाक्टरखाना नहांती ये 25 वर्ष शासन ये मुझे आईला बेले गोटे कागज मत भिड़ भितर
कागज टा देला मु जानि लिखिए देला कागज रे कोनी लिखी कोन देला मु पढु छी दिखे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पुणी थरे क्षमता को असले राज्य 100 वर्ष आगु को जीवो बोली कहिसेंती बीजेडी नेता भीके पांड्यान। आज बांकी आठगड़ कटक सहर ठारे तीनोटी निर्वाचनी सभा को उद्बोधन दे से कहिसेंती बीजेडी पुणी थरे सरकार गढ़िले एही अंचल ले अधिक रोजगार सुविधा सृष्टि हेबा सह पर्याप्त पूंजी विनियोग करा जिवो। विरोधी दल नेता माने ओडिसा को पर्यटक भाव बुलाक आसुछंती। विरोधी दल को भोट देले 5 वर्ष जाए सेमानको देखा मिलिबो नाही बोली श्री पांड्यान कहिसेंती। मिशन शक्ति किए कर मधु बाबू बता रहे 1000 टोंका किए दो नुवा वो स्कॉलरशिप किए कर लक्ष्मी योजना किए कर चावल कार्ड किए दे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना किए कर नवीन। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आसंतकाली ओडिशा गस्तरे आसी कटक रे रोड शो करिवे। कटक लोकसभा और विधानसभा प्रार्थी सपक्ष में प्रचार पई रोड शो अपराह्न 4:00 आरंभ हेबो। ए रोड शो बक्सी बजार गोपबंधु पार्क आरंभ होई तीनकोणिया बगीचा दरगा बजार दे चांदनी चौक पर्यंत जीवो। जिला बीजेपी सभापति ललाटेन्दु बड़ू एक सांबादिक सम्मेलन रे सूचना देछंती। ओडिशा पुलिस सीआरपीएफ केन्द्रीय बाहिनी तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। आसंताकाली बीजेपी वरिष्ठ नेता अमित शाह कटक रे रोड शो करिवार कार्यक्रम रहिछि। एपटे आज कटक लोकसभा अधीन विभिन्न स्थान रे प्रचार करछंती बीजेडी नेता भीके पांड्यान। कांग्रेस पक्षरु मध्य निर्वाचन प्रचार जोरसोर चलिछि। ए संपर्क रे अधिक सूचना पई आम सह जोडी होइछंती कटक प्रतिनिधि भरत महाराणा। भरत आपनकु आमे समाचार को स्वागत करूछु। भरत 25 तारीख रे कटक रे मतदान ग्रहण करा जिवो हातरे ओ अल्प दिन केमिति चाली छि कटक रे निर्वाचन प्रचार? भरत 25 तारीख रे कटक रे मतदान ग्रहण करा जिवो हातरे ओ अल्प दिन केमिति चाली छि कटक रे निर्वाचन प्रचार? भारत पाउछंती अमुगु भारत पाउ नहंती आमे आमे पूर्णि थरे आपन संगे जोगाजोग करिवु आसीबा परवर्ती खबर को जीवा। बलांगीर सहरर बुद्धिजीवीक सह सेठाकार भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रार्थी गोपालजी पाणिग्राही मत विनिमय करछन्ते। बलांगीर ठारे अनुष्ठित एक सभारे श्री पाणिग्राही जिल्लार मुख्य समस्या गुडीकर समाधान दिगरे अतीतरे कोण करछन्ते से संपर्करे सूचना दैथिले। बलांगीर बीजेपी सांसद प्रार्थी संगीता सिंहदेवक सह तांकु भोट देबा पई से बलांगीरवासीक अनुरोध जणाइथिले। सभारे संगीतांक कन्या निवृत्ति कुमारी मेवार निज मा ओ विधायक प्रार्थी श्री पाणिग्राहीक सपक्षरे भोट भिक्षा करथिले। समावेश सभारे मेवार युवराज लक्ष्यराज मेवार टेलीविजन कलाकार शैलेश लोधा मध्य श्रीमती संगीता सिंहदेव और श्री पाणिग्राही को भोट देवा लागि लोकंको अनुरोध जणाइथिले। कार्यक्रम रे जिला बीजेपी महिला मोर्चा सभापति पंकजिनी पंडा गणमाध्यम प्रभारी दिनेश शर्मा प्रमुख मंचासीन थिले। हमारा एक त्यौहार है जो मत देने का जो है वो हमारा एक सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है उसको हर एक नागरिक जो है वो बढ़ चढ़ कर आए ऐसे ही गतिशील रख सके। इसलिए राष्ट्र का भाव भीतर बहता है। मेरी रगों को आप खोल के देखेंगे तो उसमें रक्त के पहले हिंदुस्तान होगा तो निश्चित तौर पर। गुटे परिश्रमी नेता को वोट देमू कि दुर्नीति जन लोग करुछन विकास रो काम नहीं करी करी आउ केंसी काम करुछन भय फैलाउछन समस्तों को और भित्रे से टाइप रो नेता हमको दरकार कि हमको विकास और उन्नति दुर्नीति मुक्त भय मुक्त अंचल दरकार। बलांगीर रे 20 तारीख रे वोट ग्रहण हेबो एथिपई प्रस्तुति चरम सीमा रे उपनीत होईछि। आसंतकाली राहुल गांधी प्रचार पई बलांगीर आसीबे। अन्य पक्ष रे जेपी नड्डा को मध्य कंटाबंजी रे प्रचार कार्यक्रम रहीछि। बीजेडी रो नेता मध्य विभिन्न स्थान रे प्रचार चलाइछन्ते। ए संपर्क रे अधिक सूचना पई आम सह जोडी होईछन्ते आम प्रतिनिधि सुबोध मेहर।
सुबोध आपण को समाचार कक्ष को स्वागत करुछु। आमे परवर्ती समय रे सुबोध को सह जोड़ी हेबा आसीबा परवर्ती खबर को। एबे देखिबा नामांकन पत्र दाखल संपर्कित खबर। पूर्वतन केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी आज बालेश्वर लोकसभा आसन पर प्रार्थीपत्र दाखल करते से निज समर्थकों सह एक शोभायात्रा आसी जिला निर्वाचन अधिकारी निकट में मनोनयन पत्र दाखल करते दलर ओडिशा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार दलर नेत्री पिंकी प्रधान प्रमुख शोभायात्रा में सामिल होते। कटक जिला महांगा विधानसभा निर्वाचन मंडली पई बीजू जनता दल प्रार्थी अंकित प्रताप जेना समाजवादी पार्टी सारला पुत्र श्री राम विनोद षडंगी स्वाधीन प्रार्थी जयंत दास से प्रार्थीपत्र कटक रिटर्निंग अफिसर निकट में दाखल करते बहुसंख्यक समर्थकों सह प्रार्थी से नामांकन दाखल कर महिला युवक समस्त आसिक जनसमर्थन देते जेहेतु काली विलंब बहुत हो जाता आम शुभ मुहूर्त जो थे आम चाहूल नामांकन भरिया को सहीटा पार कर आज आसिक आम किसी आमर जो मैंने मुरबी अच्छा जो मैंने आमर निर्वाचन मंडल जो मैंने नेता अच्छा सहित शेष पर्याय निर्वाचन पर प्रार्थीपत्र दाखल शेष दिवस में भद्रक जिलार 11 जन प्रार्थी नामांकन दाखल करते भद्रक विधानसभा स्वाधीन प्रार्थी राजेन्द्र साहू महेन्द्र तिहाड़ी और बीएसपी राजेन्द्र लेंका मनोनयन पत्र दाखल करते भंडारीपोखरी विधानसभा आसन पर ओजेपी विजय कुमार मल्लिक अतिरिक्त जिलापा निकट में प्रार्थीपत्र दाखल करते धामनगर विधानसभा आसन पर स्वाधीन भाव नामांकन पत्र दाखल कर प्रार्थी सरोज सेठी संजय दास और प्रसन्न दास बासुदेवपुर विधानसभा आसन लगी भागवत मल्लिक बीएसपी प्रार्थीपत्र दाखल करता बेले मानस जेना वीरेन्द्र सिंह और लक्ष्मीकांत परिडा स्वाधीन प्रार्थी रूपे प्रार्थीपत्र दाखल कर सर्वांगीन विकास समस्त विकास नारा देखा बेले कौन विकास हो पार ना से धामनगर निर्वाचन एथर निर्वाचन लड़िकी विजयी हवा सहित साधारण लोक मानी मुझे कम निजी प्रस्तुत कर विकास 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 ना आज जो सरकार सरकारी कर्मचारी मैंने अच्छा कौन सी क्षेत्र में से आग को आसी पार ना जहाद्वारा कि आम जनता मान पाखे सब बेल आसंता काली बीजेपी वरिष्ठ नेता अमित शाह कटक रे रोड शो करिवार कार्यक्रम रही एपटे आज कटक लोकसभा अधीन विभिन्न स्थान में प्रचार करछन्ति बीजेडी नेता भिके पांड्यान कांग्रेस पक्षर मध्य निर्वाचन प्रचार जोरसोर चली ए संपर्क रे अधिक सूचना पई आम सह जोडी छथि कटक प्रतिनिधि भरत महाराणा। भरत आपण को समाचार कक्ष को स्वागत करूछु। भरत 25 तारीख रे कटक रे मतदान ग्रहण देखो सर इधर कटक जिलार तृतीय पर्याय निर्वाचन लगी प्रचार जोर धरी प्रार्थीपत्र डिक्लेयर सरी जाइए आउ मात्र 10 दिन बाकी रही निर्वाचन को बर्तमान जिला प्रशासन जिला पुलिस शांति श्रृंखला सहित निर्वाचन करने प्रस्तुत हो जाती गाँव रु सहर सबुआड़े निर्वाचन उष्मता जोर धरी समस्ते बर्तमान निज निजर भोटर मानक आकृष्ट करने लगी पड़ते आसंता का अमित शाह केन्द्र गृहमंत्री कटक रे निर्वाचन प्रचार करिवार रहिछि सेबे आज आईटीस अध्यक्ष थिले विके पांड्यान बीजेडी दल रु कटक जिला विभिन्न अंचल से आज रोड शो करिया सहित विभिन्न स्थान रे मीटिंग करिसेंति सेबेले कांग्रेस मध्य तार समर्थक मन सहित आज कटक रे मोटरसाइकिल रैली करिया देखिया को मिलिछि।
नेता माने केउ केउ प्रसंग को प्रसंग रे वोटर मान को मनेबा को चेष्टा करछंती बतान बीजेडी तार जो मैनिफेस्टो प्रकाश करछि से मैनिफेस्टो को लेकि आगामी दिन रे से तार रखिछि बीजेडी सरकार जेंती सहायक जितिला पर सहायक विद्युत फ्री करिवे एवं महिला मान को सुविधा रे सुधर देबे विभिन्न प्रकार जुवक मान को चाकरी जगबे ताकु दे समान मुद्दा करी आगु जाइछंती बीजेपी मोदी जी को चेहरा को आगू रखी प्रचार जोर करी कांग्रेस दीर्घ 25 वर्ष शासन को लेकिन लोक जाऊँ समस्या अंचल विभिन्न समस्या रही रास्ता घाट समस्या रही गरीब घर लोक समस्या रही पानी जल समस्या रही स्कूल मानक शिक्षक ना मेडिकल मानक डाक्टर ना सब समस्या को लेकिन आगू को बढ़ी सरिता अच्छा भारत साधारण भोटर मैंने कौन चाहती साधारण भोटर मैंने चाहते जो मैंने समाधान प्रकाश करोटर मान पा सूचना मिले धन्यवाद भरत आपको आम ये अटकवाक चाहूँ आपण को समस्त सूचना धन्यवाद आसिया परवर्ती खबर को केन्द्रापड़ा जिले में लोकसभा और विधानसभा आसन प्रार्थीपत्र दाखल प्रक्रिया शेष होई लोकसभा आसन समाजवादी पार्टी रवींद्र बेहरा स्वाधीन प्रार्थी श्रीराम पांडे प्रताप चंद्र महांती ईश्वर नायक संतोष कुमार पात्र प्रार्थीपत्र दाखल करते आली विधानसभा आसन समाजवादी पार्टी मीनती सुंदर राय स्वाधीन प्रार्थी श्रीराम पांडे देवेन्द्रनाथ शर्मा परशुराम दास से नामांकन पत्र दाखल करते महाकालपड़ा विधानसभा आसन समाजवादी पार्टी धीरेन दास कांग्रेस लोकनाथ महारथी स्वाधीन प्रार्थी चित्तरंजन नायक राजकिशोर प्रधान प्रार्थीपत्र दाखल करते राजनगर विधानसभा आसन समाजवादी पार्टी प्रशांत कुमार पात्र स्वाधीन प्रार्थी स्नेहलता राय अजित कुमार नायक प्रार्थीपत्र दाखल करते पाटकुरा विधानसभा समाजवादी पार्टी प्रदीप्त कुमार मिश्र स्वाधीन प्रार्थी रोनित रोशन कानुनगो विभूतिभूषण पंडा नामांकन पत्र दाखल करते केन्द्रापड़ा विधानसभा आसन समृद्ध ओडिशार संतोष मल्लिक समाजवादी पार्टी विनीता मल्लिक जनता दरबार पार्टी शरत चंद्र सेठी इंडियन सिटीजन पार्टी नरेन्द्र कुमार मल्लिक स्वाधीन प्रार्थी इंजीनियर मुरलीधर सेठी रंजन बेहरा दीनबंधु मल्लिक प्रार्थीपत्र दाखल करते नुआपड़ा जिले में सड़क दुर्घटन प्रसन्न कुमार नायक नामक जड़े कर्तव्यरत प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मृत्यु घटी मतदान शेष होगा पर से ईवीएम और निर्वाचन सामग्री जमा करी घर को फेरुवा बेले एक सड़क दुर्घटन से प्राण हर स्वर्गत नायक नुआपड़ा जिला सीनापाली ठारे बैंक रे कार्यरत थे खड़ियाल विधानसभा निर्वाचन मंडल 184 नंबर रानीमुंडा बूथ रे से प्रिजाइडिंग ऑफिसर रूपे दायित्व निर्वाह करते आकस्मिक परलोक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी धल गभीर शोक प्रकाश करते परिवारवर्ग को विधि मुताबक सहायता सह जातीय निर्वाचन आयोग घोषणा अनुजाई 15 लाख टंकार अतिरिक्त अनुकंपामूलक सहायता प्रदान करा जो बोली श्री धल सूचना देखते आदर्श आचरण विधि लागू होबार 2 मास मध्यरे विभिन्न निर्वाचन अभियोग उपरे होइथिबा कार्यनुष्ठान संपर्क में निर्वाचन कमिशन अधिक प्राञ्जल भावे सुनिर्दिष्ट सूचना देबा पई निष्पत्ति नेइछन्ते वर्तमान मध्य निर्वाचन अभियोग उपरे होइथिबा कार्यनुष्ठान संपर्क में कमिशन को पक्षरु नियमित सूचना दिया जाउछि तेबे एहाकु अधिक व्यापक सुनिर्दिष्ट सुस्पष्ट करबा पई कमिशन निष्पत्ति नेइछन्ते निर्वाचन आचरण विधि लागू होबार प्रथम मास शेषे कमिशन ए संपर्कीय सविशेष सूचना प्रकाश कर सारी एणिकी ए संपर्कीय कार्यानुष्ठान सूचना सामूहिक मंच में मध्य देश में सर्वसाधारण को जोगाई दिजिव फल निर्वाचन समस्या नहीं भोटदाता राजनैतिक दल एवं विभिन्न पक्ष मध्य रोकवा सन्देह संपूर्ण दूर हेब ए भारत गौरवमय निरपेक्ष तथा अबाध निर्वाचन प्रक्रिया संपर्क में देशवासी सारा विश्व जापर बोली निर्वाचन कमिशन सूचना देते
ଗତକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସେସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ 28 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ଇଭିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ୍ ବାହିନୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ୍ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଇଭିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମତଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଧଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ମହାନ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ରଘୁବର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ସର ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲର୍ଡ ବାଡେନ୍ ପାୱେଲ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏହି ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ସାହୁ, 41 ITBP ବାଟାଲିୟନ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ 52 ଦଳକୁ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସେ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଭାରତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ସାଇବର ଅପରାଧୀ ନିଜକୁ ପୁଲିସ, CBI, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିରୋଧ ବିଭାଗ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଡରିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଜାଲରୁ ଖସାଇ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଧମକ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ପୁଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ଘଟଣା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ ବୋଲି କେହି ଯଦି ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସାଇବର ଅପରାଧୀ ମୋବାଇଲରେ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 186,000 ମୋବାଇଲକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ଆସନ୍ତା 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। କେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। संभावना और गस्ती सर्व विंड स्पीड जो कि 30-40 KMPH रहने की संभावना है। उसमें हमारा कोस्टल ओडिशा पूरा और इंटीरियर ओडिशा मयूरभंज, केवंझर, अनुगुल, ढेंकानाल, कंधमाल, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बारगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, नुआपड़ा, कलांडी, कंधमाल, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डे टू यानी 15 को भी कोस्टल ओडिशा और एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, केवंझर, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, सोनपुर। ଶେଷରେ ସମାଚାର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶରେ ସପ୍ତମ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। 7 ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 57 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 1 ହେବ ମତଦାନ। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାରାଣସୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ନାଟକ କହିଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ।
देशवासीों विकास मुख्य भूमिका ग्रहण कर सरकार केवल बीजेपी ही देपार बोली अनुगुल जिले में निर्वाचन प्रचार कर मतव्यक्त कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आदर्श आचरण विधि लागू होगा दुई मास मध्यरे विभिन्न अभियोग होता कार्यानुष्ठान संपर्क में सर्वसाधारण को सूचना प्रदान पर निर्वाचन कमिशन का निष्पत्ति। मोबाइल सेवा विच्छिन्न करा जदि केही चेतावनी दियंती ताहा को ध्यान न देबा एवं संपृक्त नंबर रे पाल्टा फोन न करबा को केन्द्र दूरसंचार विभाग जारी कला सतर्क सूचना। एवं 18 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल लागि रहिबो घड़घड़ी सह सामान्य वर्षा कालबैशाखी आशंकारे केतक जिल्ला को येलो वार्निंग जारी। इस सहित आज समाचार को ये रखुचु। नमस्कार।